हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। आज शुक्रवार का दिन है और आज हमारे गांव में लगता है मार्केट, और वहां आती हैं बहुत सारी हरी भरी सब्जियां। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मार्केट जाने से पहले चलते अपने होटल, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है ना मेरे भाई। आज कमाएंगा तो कल बैठ कर खाएंगा। अरे अपनी मायने तो आप देख सकते हैं, खुडरी जाने का और कोई नज़दीकी रास्ता नहीं होने के कारण हमको मजबूरन रेलवे पुल को क्रॉस करके जाना पड़ता है खुडरी। मैं पहुंच चुका अपने होटल और आप देख सकते हैं मेरे होटल की हालत कुछ इस प्रकार है। आ गए। क्या महाराज, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं हो चुका हूँ पूरे रोल से तैयार। अब चलते हैं मार्केट पूरे स्वैग से। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं मार्केट जाने के लिए घर से निकला और देखा तो यहाँ आके फाटक बंद है। बस दो ही तकलीफ है, ये फाटक और सब्सक्राइब ना बढ़ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस, ये दुकान स्पेशली पापा परियों के लिए है, जो कि मेरे प्रिय मित्र सूरज सोनी जी का है। तो गाइस, मेरे दोस्त हैं, ये भी एक यूट्यूबर है, इनका करीबन 424 सब्सक्राइबर हो गए हैं। कोई मेरा भी कर दो भैया, यार 100 कंप्लीट नहीं हो रहा है भाई, हमारा 420 कंप्लीट करके बैठा है। कैसे हो जाता है ये मेरे को पता नहीं, मेरा भी हो जाए भगवान। ओ गॉड, एक बार दिला दे। तो आप देख सकते हैं मेरे बाजार का माहौल अभी ठंडा है, आधा एक घंटा बाद यहाँ पूरा भीड़ लग जाएगी। और ये हरस मोर मितान, आय करते मितान, आय करना वो। और ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस भूंजी मछली है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी छोटे बड़े मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। और इधर आगे कुछ बड़ी मछलियाँ भी हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से सब्जियों की दुकान लगी हुई है, कितने दुकानदार आए हुए हैं, पूरा वहाँ लास्ट तक सब्जियों की दुकान लगी हुई है। तो गाइस, हो गया है मार्केट आज का ख़त्म और पूरा भीड़ हो गया है ख़त्म। अब अपना काम निपटाते हैं यहाँ और चलते हैं अपने घर। आप देख सकते हैं घर एक भी भीड़ नहीं, अभी कुछ देर पहले यहाँ खचाखच भीड़ थी और अभी भीड़ ख़त्म। तो फाइनली गाइस, मैं होटल से अपनी गाड़ी लेके आ गया हूँ अपने घर। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी कुछ इस प्रकार है। तो गाइस, अभी मैं आ गया अपने रूम में और आज मैं बाज़ार में सही से ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि मैं बाज़ार में खुद अपना दुकान लगाता हूँ, जिस कारण से मेरे को उतना समय नहीं मिल पाता कि मैं ऐसे ब्लॉग बना सकूँ। बस ऊपर शूटिंग कर लिया हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मैं और ऐसे वीडियो बना सकूँ और आगे। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।